गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था, और बेटा एक ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। बेटा दो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन इजी है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू पी एक्स प्लस 13 लाई एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। बेटा क्वेश्चन का मतलब पहले समझिएगा। क्वेश्चन आपसे ये बोलना चाह रहा है कि भैया इस जो पी मेरे पास पैराबोला बन रहा है, इसकी वर्टेक्स की जो सेंटर से दूरी है बेटा वो मुझे 5 दे रखी है, ठीक है ना। तो बेटा आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा हम जानते हैं अगर किसी पॉइंट की दूरी, मतलब अगर मैं ये बोलूँ वर्टेक्स मेरा कहीं इधर आ रहा है, ठीक है, ये मुझे दूरी दे रखी है 5, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0,0। अगर मैंने इसके कोऑर्डिनेट पी के टर्म में निकाल ली, किसके टर्म में निकाल दिए, पी के टर्म में, तो बेटा वहां से मुझे क्या मिल जाएगा, इस रिलेशन के थ्रू, डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू बेटा मैं पी को फाइंड आउट कर पाऊंगा, ठीक है। तो बेटा हमारा पहला काम होगा वर्टेक्स को निकालना पी के टर्म में। पहला काम क्या होगा, वर्टेक्स को निकालना पी के टर्म में। तो वर्टेक्स कैसे निकलेगी बेटा, हमने आपसे पहले भी कहा था, पहला काम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, उससे आपका बेटा वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, 2x plus 2p is equal to 0, तो बेटा x मुझे कितना मिल गया, माइनस पी। एक्स कितना मिल गया, माइनस पी, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस माइनस पी को फंक्शन में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, वर्टेक्स का बेटा मुझे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो बेटा मुझे कितना मिल गया बेटा, देखो, माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू माइनस पी प्लस 2p इंटू माइनस पी प्लस 13। तो बेटा मुझे कितना मिल गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस 13, मतलब बेटा मेरा वर्टेक्स आ गया माइनस पी स्क्वायर प्लस 13, ठीक है। अब बेटा देखो इससे ओरिजिन की दूरी क्या दे रखी है, 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस 13 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ठीक है। पहला काम पहला काम क्या होगा, स्क्वायर रूट को हटा दो और बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, तो बेटा ये आ गया मुझे 25। इधर क्या हो जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा बेटा माइनस पी स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ओपन करना स्टार्ट करें बेटा, मुझे मिलेगा पी की पावर 4 माइनस 26 पी स्क्वायर प्लस 169, ये वाला। उसके बाद पी स्क्वायर, और बेटा इसको अगर मैं इधर ले आता हूँ तो बेटा माइनस 25। क्लियर, पूरे को बेटा सिंप्लीफाई किया, बेटा मुझे क्या मिल गया, पी की पावर 4 माइनस 25 पी स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। अब बेटा फैक्टर कर दूं पीछे वाले के, तो क्या होगा बेटा, 16 और 9 हाँ जी 16 और 9, तो बेटा मेरा फैक्टर क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 16 इंटू पी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो बेटा पी मुझे मिल गया प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3 टोटल 4 वर्टेक्स मिलेंगी बेटा मुझे। चार वर्टेक्स ऐसे बेटा, जो मेरा ग्राफ होगा बेटा, एक बार इधर बनेगा, उसकी वर्टेक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी, और बेटा एक बार फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। देखिए ये वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, अगर समझ में ना आए तो एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको कॉपी में प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्वेश्चन देखिए बेटा, पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं उसको समझने के लिए। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ पी If least value of fx 4x square minus 4px plus p square minus 2p plus 2 on interval x belongs to 0 से लेके 2 is equal to 3। बेटा मैं मीनिंग आपको समझा देता हूं, एक बार आप ट्राई करिए। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आप p की सभी वैल्यू को निकालिए अगर fx की जो वैल्यू है, fx का जो फंक्शन आपको दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 जा रही है, मिनिमम वैल्यू क्या जा रही है, 3 जा रही है एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 के लिए। मतलब अगर मैं एक्स की वैल्यू को 0 से लेकर 2 तक मूव करता हूं तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बेटा मुझे क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, ठीक है ना। उस केस में बेटा आपको पी की लिस्ट, पी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए।
चलिए बेटा क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा जरा क्वेश्चन को समझिएगा। देखो मेरे पास बेटा यहाँ पे टोटल तीन केसेस बनेंगे, टोटल तीन केसेस बनेंगे। पहला केस भाई मान लो मेरा जो फिगर है वो इस तरह का बन रहा है, ये मेरी वर्टेक्स है, ठीक है, ये मेरी वर्टेक्स है। और बेटा जीरो से लेके दो बेटा वो कुछ इस तरह से आ जाए, मतलब मेरी वर्टेक्स जीरो से, एक्स इजिकल टू जीरो से पहले बेटा मेरी वर्टेक्स पड़ जाए। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? हाँ जी, एक्स इजिकल टू जीरो से पहले मेरी वर्टेक्स पड़ जाए, ठीक है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ, मतलब ये मेरी वर्टेक्स एक्स इजिकल टू पहले से पड़ जाए। तो पहला केस क्या होगा? वर्टेक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है। बट बेटा इन सबसे पहले बेटा मुझे वर्टेक्स को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्टेक्स की पोजीशन की बात करी तो वर्टेक्स कैसे निकलेगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। मेरे पास वाई क्या था? देखो बेटा मेरा फंक्शन है 2x² - 4px + p² - 2p + 2, ठीक है बेटा। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो बेटा ये तो हो जाएगा 4x 8x, होगा नहीं होगा बेटा? ये हो जाएगा -4p और बेटा ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो मुझे क्या मिल गया बेटा? dy/dx कितना मिल गया? 8x - 4p = 0 डालूंगा वर्टेक्स के लिए, तो बेटा x कितना मुझे मिल गया? p/2। बेटा ये क्या है बेटा? ये मेरी वर्टेक्स है। क्या है? वर्टेक्स ठीक है। इसका मतलब जो x इजिकल टू पी बाई टू मेरी जो वैल्यू आ रही है बेटा वो मेरी जीरो से छोटी है। तो पहला केस क्या होगा कि x इजिकल टू पी बाई टू इज लेस देन जीरो, ठीक है। मतलब p मेरा जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। मतलब बेटा इस केस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो p की वही वैल्यू कंसीडर की जाएगी जब मेरा p जीरो से छोटा है। अगर सॉल्व करने पे p की वैल्यू मेरी जीरो से बड़ी आती है, p की वैल्यू मेरी जीरो से बड़ी आती है तो बेटा वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये वाला ग्राफ बनेगा। अब बेटा एक बात और सोचिएगा कि अगर ये वाला ग्राफ बन रहा है, मतलब मेरे काम का ग्राफ कौन सा है बेटा? मेरे ग्राफ का ग्राफ सिर्फ इतना सा ग्राफ है, क्योंकि उसने कहा है मुझे जीरो से लेके दो तक की बात करनी है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर मिनिमा कब मिलेगा बेटा? इस पे बेटा मिनिमा मुझे दे मिलेगा एफ जीरो पे। किस पे मिलेगा बेटा? इस पे बेटा मुझे मिनिमा मिल जाएगा एफ जीरो पे, ठीक है। तो इस केस में जो मुझे मिनिमा मिलेगा एफ एक्स का, जो मुझे मिनिमा मिलेगा बेटा वो किस पे मिलेगा बेटा? वो मुझे मिलेगा एफ जीरो पे। और एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? एग्जामिनर ने इसकी वैल्यू बेटा मुझे 3 दे रखी है। क्या दे रखी है? 3। तो बेटा अगर मैं फंक्शन में जीरो पुट करता हूं तो देखिए जीरो पुट करने पे क्या मिलेगा, क्या होगा? अगर मैं इसमें जीरो पुट करता हूं तो देखिए जीरो 4×0² - 4p×0, तो ये भी जीरो। तो बेटा मुझे मिल जाएगा ओनली कॉन्स्टेंट p² - 2p+2। मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा बेटा एफ जीरो कितना मिल जाएगा, लिख लेते हैं p² - 2p+2 मिलेगा। और इसकी वैल्यू बेटा एग्जामिनर ने मुझे कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। दे रखी है, नहीं दे रखी? इसका मतलब बेटा मुझे क्या मिल गया बेटा? मुझे मिल गया p² - 2p - 1 = 0। तो p की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा? p वो तो होता है बेटा मेरे पास -b, मतलब माइनस में -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 4, लिख देते हैं प्रॉपरली, लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। -2 का होल स्क्वायर
माइनस में फोर इंटू ए, ए कितना है मेरा वन और सी कितना है बेटा मेरा माइनस वन अपॉन टू इंटू वन। ठीक है तो बेटा ये मेरे पास कितना आ गया जरा देख लेते हैं बेटा, ये तो बेटा मुझे मिल गया फोर टू प्लस माइनस में अंडररूट में कितना मिलेगा बेटा देखो अंडररूट बेटा मेरा ये तो हो गया मेरा फोर बेटा ये प्लस और ये प्लस जुड़ गया तो बेटा ये भी क्या हो गया फोर, फोर प्लस फोर एट अपॉन टू मिलेगा। और बेटा आप भी जानते हैं मैं इसको एट को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं एट को लिख सकता हूँ टू रूट टू, तो बेटा इसका मतलब मेरे पास ये आ गया प्लस माइनस टू रूट टू अपॉन टू। तो बेटा टू से टू पूरा कट गया तो बेटा पी मुझे मिल गया वन प्लस माइनस टू रूट टू, रूट टू तो कट गया रूट टू बचेगा ओनली, क्या बचेगा रूट टू बचेगा। ठीक है तो बेटा यहां से मेरे पी के कितने वैल्यूज आए बेटा, यहां से बेटा पी के मेरे पास दो सॉल्यूशन आए पी इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू और एक आया बेटा पी इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू। ठीक है बेटा मैं जानता हूं ये ग्रेटर देन जीरो है और ये लेस देन जीरो है और मैंने क्या कहा था ये केस कौन सा है जब पी मेरा लेस देन जीरो था। ठीक है मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा बट ये वाला काउंट हो जाएगा, एक सॉल्यूशन तो बेटा मुझे यहां से मिल गया कब जब मैंने पहला केस डिस्कस किया कि भैया मेरी वर्टेक्स जीरो से छुट्टी है। अगला केस क्या होगा बेटा, अगला केस क्या होगा सेकंड केस अगर मैं सेकंड केस की बात करूं बेटा तो बेटा सेकंड केस कुछ इस तरह से बनेगा जब मेरी वर्टेक्स जीरो और फोर के बीच में होगी, ये मेरा हो गया जीरो और ये मेरा हो गया फोर और बेटा ये मेरी वर्टेक्स एक्स इज इक्वल टू बी बाई टू। ठीक है एग्जैक्टली बीच में नहीं, इधर भी थोड़ा सा रख के हो सकती है इधर भी हो सकती है। ठीक है ना इसका मतलब बेटा एक्स इज इक्वल टू पी बाई टू है जो मेरी वर्टेक्स है, लिख देता हूं इधर वर्टेक्स वो क्या होगी जीरो से तो बड़ी होगी। ठीक है ना बट ये फोर था या टू था, ये बेटा टू था टू से छोटी होगी। ठीक है इसका मतलब पी बाई टू होगा वो जीरो से बड़ा और फोर से छोटा, इसका मतलब पी कहां से कहां तक आ गया बेटा पी आ गया जीरो से लेके फोर तक। मतलब इस केस में बेटा जो आप सॉल्व करोगे बेटा वो मेरा पी जीरो से लेके फोर आएगा तो उसे कंसीडर करोगे नहीं तो नहीं कंसीडर करोगे। ठीक है अब ये बताइए बेटा अब इसमें मिनिमा कब जाएगा, ये एफ जीरो पे मिनिमा नहीं जाएगा, एफ टू पे मिनिमा नहीं जाएगा बेटा, अब बेटा मुझे मिनिमा मिलेगा इस पॉइंट पे। ठीक है तो बेटा इस केस में एफ एक्स मुझे मिनिमा किस पे देगा बेटा, इस केस में मुझे एफ एक्स मिनिमा देगा वर्टेक्स के ऊपर, मतलब एफ पी बाई टू पे बेटा फंक्शन मुझे क्या दे देगा मिनिमा, इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है तो एफ पी बाई टू कितना आ गया बेटा, एफ पी बाई टू की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये कितना आ जाएगा देखो पी यहां पुट करूं तो ये आ गया फोर पी स्क्वायर, फोर फोर पी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस फोर पी, माइनस था ना हाँ माइनस फोर पी इंटू पी बाई टू और आगे कितना था प्लस में पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस टू इज इक्वल टू कितना दे रखा है थ्री दे रखा है। क्या ओपन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये तो मुझे मिल गया पी स्क्वायर अपॉन फोर मिलेगा, फोर इंटू पी स्क्वायर अपॉन फोर मिलेगा, फोर से फोर कट गया तो बेटा मुझे मिल गया ओनली प्लस पी स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे काटा पिटी कर दू, यहाँ पे बचेगा टू यहाँ पे बचेगा टू, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा माइनस टू पी स्क्वायर और ये प्लस पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन इक्वल टू थ्री। बेटा देखो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर और ये माइनस टू पी स्क्वायर कट गया। ठीक है तो बेटा मुझे यहां से क्या मिल गया माइनस टू पी प्लस टू इज इक्वल टू थ्री मिल गया, तो बेटा मुझे पी कितना मिल गया बेटा, पी मुझे मिल गया बेटा माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू, बट बेटा मैंने पी क्या माना था
बेटा पी मेरा कहां से कहां तक था, जीरो से लेके फोर तक था, ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है माइनस वन बाई टू, मतलब बेटा इसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा। और आखिरी केस क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, थर्ड केस क्या हो जाएगा मेरे, कहना क्वेश्चन बहुत शानदार है ओनली एडवांस लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड केस क्या हो जाएगा, बेटा थर्ड केस जो होगा बेटा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ग्राफ मेरा इस तरह से, और बेटा जो मेरा जीरो से लेके वो है बेटा इस बार वो इधर आएगा, ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू। और बेटा जो मेरा वर्टेक्स होगा एक्स इक्वल टू पी बाई टू, वो मेरा दो से बड़ा होगा, मतलब थर्ड केस एक्स इज एक्स इक्वल टू पी बाई टू इज ग्रेटर देन टू, दैट इज पी इज ग्रेटर देन फोर। बेटा देखो इस बार मुझे विनिमा किस पे मिलेगा, देखो इस बार बेटा अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो बेटा इस बार जो मेरा ग्राफ है वो ये ग्राफ होने वाला है, ये इतना सा। तो अब बेटा मुझे कितना मिलेगा, बेटा मुझे मिनिमम मिलेगा एफ टू पे, किस पे मिलेगा बेटा, अब बेटा मुझे मिनिमम मिलेगा एफ टू पे, ठीक है, मतलब अगर मैं एफ एक्स की मिनिमा की बात करता हूँ इस केस में, तो बेटा ये मुझे मिलेगा एफ टू पे, किस पे मिलेगा एफ टू पे, ठीक है। मैं आपको अभी दो मिनट दे रहा हूँ, अभी आप पहले एफ टू को मतलब इसको सॉल्व करके देखिए इस केस में आपके कितने आंसर आ रहे हैं, दो मिनट में अभी आपको दे रहा हूं, अभी ट्राई करिए। जी तीसरा केस क्या था, जब मेरा पी फोर से बड़ा, इसका मतलब पी मिनिमम मैंने बोला एफ टू पे मिलेगा थ्री पे, ठीक है, तो टू पुट कर दें तो बेटा मुझे कितना मिलेगा, देखो यहाँ टू पुट करने पे 16 माइनस 8 पी ये हो जाएगा 2, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, और इधर क्या हो जाएगा 8 पी, और बेटा ये एज इट इज, तो बेटा ये हो गया 16 माइनस 8 पी प्लस पी स्क्वायर माइनस 2 पी प्लस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब बेटा सिंप्लीफाई सबको अरेंज कर दे, बेटा पी स्क्वायर पहले माइनस 8 पी माइनस 2 पी माइनस 10 पी, और बेटा 16 प्लस 2 18, 18 माइनस 3 आने पे कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब पी निकाले बेटा, बेटा यहां से पी कितना निकलेगा, फिर से माइनस बी माइनस माइनस 10 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बी स्क्वायर दैट इज 100 माइनस 4 इंटू 15 अपॉन 2 होगा नहीं होगा, तो बेटा पी मुझे कितना मिल गया बेटा, ये मिल गया 10 प्लस माइनस, बेटा ये कितना होगा बेटा 15 इंटू 30 60 होता है, तो बेटा ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट 40 मिलेगा अपॉन में 2। तो बेटा पी मुझे कितना मिल गया बेटा, इसमें से बेटा अगर मैं 4 को बाहर ले जाऊं तो बेटा मुझे मिल जाएगा 10 प्लस माइनस 2 रूट 10
अपॉन टू, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस फोर इसी, हाँ बेटा काटा पिटी कर दे, तो बेटा मुझे पी कितना मिल गया, फाइव प्लस माइनस रूट टेन, मिलेगा नहीं मिलेगा? अगर मैं इनको तोड़ दूं तो एक तो मिल गया बेटा मुझे पी इज इक्वल टू फाइव माइनस रूट टेन, ठीक है, और दूसरा मुझे मिल गया फाइव पी इज इक्वल टू फाइव प्लस रूट टेन। बेटा रूट टेन में कुछ भी मुझे नहीं पता कितना होता है, बट इतना जानते हैं रूट टेन तीन के आसपास होता है, तीन से थोड़ा बड़ा। अगर बेटा मैं पांच को तीन से थोड़े बड़े से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो दो से छोटी आएगी, ठीक है। और बेटा अगर मैं पांच से 3.1 को ऐड करूंगा बेटा तो जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो 8 से बड़ी आएगी, ठीक है। और बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो पी है बेटा मेरा 4 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट हो जाएगा। तो टोटल पी की वैल्यूज कितनी आई, एक तो आई थी स्टार्टिंग में 1 माइनस रूट, क्या आई थी स्टार्टिंग में पहली वैल्यू 1 माइनस रूट टू, पहली वैल्यू 1 माइनस रूट टू, और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा p इज इक्वल टू 5 प्लस रूट टेन। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेटा अगली एडिंग है हमारे पास आइडेंटिटी। क्या है बेटा आइडेंटिटी, बेटा आइडेंटिटी क्या होती है इसकी बात कर लेते हैं। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इट इफ इट हैज थ्री एंड मोर रूट। अगर बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन या तीन से ज्यादा रूट है बेटा तो बेटा मैं उसे आइडेंटिटी बोलूंगा, ठीक है ना। आपको याद हो तो बेटा इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी एक बार बात की थी, कुछ दिनों पहले, तब मैंने आपको बताया था कि n डिग्री पॉलिनोमियल के लिए अगर उसके नंबर ऑफ रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ रूट्स उस पॉलिनोमियल की डिग्री से बड़ा हो, ज्यादा हो जाते हैं, मतलब मान लो तीन डिग्री का है तो रूट अगर तीन से ज्यादा हो गए चार पांच छह, छह डिग्री का है तो रूट अगर मान लो छह से ज्यादा हो गए सात आठ रो, ठीक है ना। तो बेटा अगर किसी भी पॉलिनोमियल n डिग्री पॉलिनोमियल में अगर नंबर ऑफ रूट n प्लस वन या n प्लस वन से ज्यादा हो जाते हैं तो बेटा वो आइडेंटिटी बन जाती है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। अब सर ये होती क्या है सर, बेटा आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है, आपने पढ़ा हुआ है x प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 पढ़ा हुआ है, ये इक्वल टू होता है बेटा, ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है। आपने फॉर्मूले भी देखे होंगे, आपको लिखता है x प्लस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिखते ना ये एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, बेटा ये आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी कैसी है बेटा, बेटा देखो इनमें आप कुछ भी वैल्यू डालो ये दोनों ऑलवेज इक्वल आएंगे। एक्स वन डालो इधर मुझे कितना मिलेगा थ्री स्क्वायर, इधर वन डालो वन प्लस फोर प्लस क्या बोलते हैं 1 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 9, दोनों बराबर आए। अब माइनस 1 डालो इधर मुझे क्या मिलेगा 1, इधर मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस 4 प्लस 4 कितना आया 1। अब 0 डालो इधर क्या मिलेगा 2 स्क्वायर और इधर क्या मिलेगा 4, तीनों इक्वल है कि नहीं है, मतलब ये पूरी इक्वेशन x 1 को सेटिस्फाई कर रही है, माइनस 2 को सेटिस्फाई कर रही है, 0 को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब बेटा रूट्स कितने हैं मोर देन 2, और मोर देन 2 होने का मतलब कितने भी रूट्स ले लूं सभी इक्वल होंगे। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो बेटा ये क्या हो गई, एक आइडेंटिटी हो गई, ये क्या हो गई एक आइडेंटिटी हो गई। अब सर इसका और मीनिंग क्या, मतलब और क्या क्या सोच सकते हैं बेटा इसके बारे में, बेटा एक चीज और समझाता हूँ। अगर बेटा मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। मैं काट नहीं रहा, मैं इनको काट नहीं रहा, मैं सबको एक तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर वन माइनस वन प्लस एक्स फोर माइनस फोर प्लस फोर फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा इधर मेरा ए क्या आ गया जीरो, इधर मेरा बी क्या आ गया जीरो, इधर मेरा सी क्या आ गया जीरो। मतलब आइडेंटिटी की बेसिक कंडीशन क्या हुई बेटा, आइडेंटिटी की कंडीशन हो गई ए बी सी अगर मेरे जीरो हो जाते हैं, इफ ए बी सी आर इज इक्वल टू जीरो देन इक्वेशन इज आइडेंटिटी। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? और अगर बेटा तीनों मेरे जीरो हो गए तो मैं एक्स को कुछ भी डालूं, एक्स को कुछ भी डालूं बेटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो इंटू समथिंग जीरो ही होगा, ठीक है। तो बेटा अगर इक्वेशन मेरी आइडेंटिटी है तो बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा मेरे कितने हो जाते हैं, इनफाइनाइट कितने हो जाते हैं,
इनफिनिट। और बेटा ए बी सी तीनों क्या हो जाते हैं? जीरो। क्या सभी को क्लियर हुआ? नहीं हुआ? हाँ जी ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास यहीं पे ओपन करते हैं। पॉइंट डी बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगली क्लास में होगा तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है, प्रयास करूंगा आपको समझाने का, ठीक है? चलिए बेटा गुड बाय।